अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिब हाशमी और यह है लेक्सस आईएस 250 2007 मॉडल। ये लेक्सस आईएस की सेकंड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2005 से 2013 तक आई थी। 13 में इसकी नई जनरेशन आ गई, लेकिन ये गाड़ी भी अपने टाइम पे काफ़ी पॉपुलर रही अमेरिका या यूके जैसी कंट्रीज में। खैर, इस गाड़ी में ऐसी बहुत सी चीज़ें आती हैं जो कि वर्थ इट हैं, और आप कह सकते हैं कि ये गाड़ी मार्केक्स का एक रिफाइंड वर्जन है। मार्केक्स भी कुछ ऐसे इंजन ऑफर करती है। ये गाड़ी 2500cc V6 है, परफॉर्मेंस फिगर्स इन गाड़ियों के आसपास ही हैं, और इसके अलावा ये गाड़ी सिर्फ लग्जरी में मार्केट से थोड़ी सी ऊपर है। किस तरह से मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में। खैर, अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो ये गाड़ी 2007 मॉडल है, लेकिन 24 इंपोर्ट है, फ्रेश क्लियर है, अनरजिस्टर्ड है, और इसकी डिमांड 65 लाख रुपये है। ये गाड़ी टोटली मेंटेन्ड है, और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोड्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्रैफीन कोटिंग, यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं, और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटर स्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great IS 250 and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Lekin is review ko shuru karne se pehle, mere channel ko subscribe zarur kar dijiyega aur is video ko like kar dijiyega. Khair, agar baat kijiye is car ki front end ki, to ye is era ki mostly Lexus jaisa hi hai. Lexus is beshak ye gaadi ho, GS ho ya phir RS ho, RX wagera ho, wo gaadiyan bhi kafi had tak is tarah ke front end offer karti thi. Isme हेडलाइट वगैरह थोड़ी सी अनयूजुअल दी गई हैं, इसमें कोई खास पैटर्न नहीं है, ये बस एक रैंडम सी हेडलाइट है, लेकिन लुक्स के लिहाज से इसके साथ काफ़ी अच्छे से जा रही है। और ये गाड़ी क्योंकि लेक्सस है तो इसमें हेडलाइट बायनॉक्युलर पोजीशन लैंप के साथ आई हुई है, वैसी ही जैसा कि 7 सीरीज़ या 5 सीरीज़ वगैरह में आती थी। और इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट पे फिर पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है इस एरा के लिहाज से। बाकी इस गाड़ी में हेडलाइट्स जो ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं, लेकिन फॉग लैंप इसमें हेलोजन वाले ही दिए गए हैं, ये मेरे ख्याल से थोड़े से बेहतर हो सकते थे। बाकी इसके अलावा ग्रिल इसमें लेक्सस जैसी ही दी गई है, ऐसी ग्रिल लेक्सस की मोस्टली कार्स में आती है, वाइपर इसमें नॉर्मल से ही दिए गए हैं, और इसके अलावा कैपिटल लाइन भी इस गाड़ी में काफ़ी स्मूथ दी गई हैं, जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ भी सब कुछ लेक्सस की मोस्टली कार्स की तरह काफ़ी फ्लोई और स्मूथ सा है। इससे एक कैटेगरी जो ऊपर है वो आती है लेक्सस GS। GS में इंजन 4.5 आते हैं, 3.0 आते हैं, वो गाड़ी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, और उसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी किया हुआ है अपने चैनल पे। ये गाड़ी भी एक प्रॉपर बीस्ट है, और इसके अलावा इसमें आप अच्छे खासे बड़े रिम्स भी लगा सकते हैं। ये गाड़ी आराम से 18 से 19 इंच का रिम एकोमोडेट कर सकती है, लेकिन फिर आपको टर्निंग में शायद थोड़ा सा इशू करे। फिलहाल इस गाड़ी में अलॉय नहीं लगे हुए, जो कि मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, ये लेके लगाए जा सकते हैं। और इसके अलावा बड़े रिम्स को एकोमोडेट करने के लिए इसमें व्हील आर्चेस भी अच्छी खासी बड़ी दी गई हैं, ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। सेम गोज फॉर बैक, बैक पे भी ऐसी बड़ी आर्चेस आती हैं जो कि मैं कवर करूँगा अभी। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि 2007 मॉडल है, तो इस एरा में मोस्टली कार इंडिकेटर बॉडी में ऑफर करी थी। साइड मिरर्स के सिंपल से हैं, लेकिन इस फीचर्स के लिहाज से लोडेड हैं, इस तरह से कि ये रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, और इसके अलावा ये हीटेड भी हैं। बाकी ये बॉडी कलर में हैं, बॉडी में ही लगे हुए हैं, फैक्टर लाइन यहाँ पे काफ़ी स्मूथ ही दी गई हैं, और इसके अलावा ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ भी फीचर्स डिसेंट दिए गए हैं, इस तरह से कि इस गाड़ी में स्मार्ट एंट्री आती है ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के ही पास। मैं इस गाड़ी को दोनों साइड से लॉक अनलॉक कर सकता हूँ, और इस एरा के लिहाज से ये एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में एंट्री एक्सिट भी आसान है, मैं अपनी ही हाइट पे इसमें बैठ सकता हूँ, निकल सकता हूँ, और इसके अलावा इसमें साइड स्कर्ट्स भी सिंपल सी दी गई हैं बॉडी की तरह की ही। इस गाड़ी को आप कह सकते हैं कि ये एक स्लीपर कार है, इसको देख के कोई बंदा गैस नहीं कर सकता कि ये गाड़ी अच्छी खासी तेज़ हो सकती है। ये तो 2.5 वाली कार है, लेकिन इसमें एक 5.0 वर्जन भी आता है, लेकिन शेप उसकी भी ऐसी ही होती है, तो उसको देख के आप कहीं से जज नहीं कर सकते कि ये गाड़ी इतनी तेज़ हो सकती है। बाकी इसके अलावा हाइट के लिहाज से ये गाड़ी कोई खास ऊँची नहीं है, छत इसकी काफ़ी लो है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ये गाड़ी फिर भी अच्छी खासी है। और इसके अलावा कैटेगरी के लिहाज से भी इसका कॉम्पिटिशन सेवे के करने बनती हैं। इंजन के लिहाज से ये उनसे ऊपर है, लेकिन साइज़ के लिहाज से ये उन जितनी ही है। और अगर बात की जाए इस एंड की, तो यहाँ भी चीज़ें थोड़ी सी अनयूजुअल हैं। सबसे अनयूजुअल चीज़ तो इसकी व्हील आर्च है, जो कि बॉडी से बहुत बाहर आई हुई है, बम्पर भी इसका पीछे से आगे काफ़ी तरफ बाहर जा रहा है टायर्स को एकोमोडेट करने के लिए, लेकिन फिलहाल इसमें क्योंकि टायर छोटे लगे हुए हैं तो वो इसकी बॉडी के काफ़ी अंदर गए हुए हैं। फिर इसके अलावा डोर पैनल भी इसके थोड़े से अनयूजुअल हैं, इसका डोर पैनल डोर की जो बॉर्डर्स होते हैं एजेस होते हैं उससे काफ़ी पीछे जा रहा है। बाकी इसके अलावा
बैक पे गाड़ी आके एकदम से खत्म ही हो जाती है। फ्यूल डोर इसमें लेफ्ट पे दिया गया है और इसके अलावा ऊपर एक शॉप इनफिनिटी ने ऑफर करती है ये गाड़ी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के एंड की तो ये भी पूरी ही कार की तरह एलिगेंट सा है। टेल लाइट्स में बेसिक्स ही दी गई हैं और इनमें डिफरेंट लाइट्स दी गई हैं जो कि मेरे खासे कोई खास सेंस नहीं बना रही, इससे बहुत बेहतर हो सकती थी। अगर आप इस एरा की GS देखें, GS 430, मैंने उसका रिव्यू किया हुआ है, तो उसकी टेल लाइट्स इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि मार्क एक्स जैसा इंजन ऑफर करती है तो इसमें मार्क एक्स की तरह ही बैक पर डुअल एग्जॉस्ट दिए गए हैं। ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है कि प्रॉपर यहाँ पे दोनों फंक्शनल एग्जॉस्ट हैं। और अगर बात की जाए फीचर्स की तो ये गाड़ी बैक पर काफ़ी सेंसर्स भी ऑफर करती है। इसकी टेल लाइट्स के अंदर ये काफ़ी बड़ा सारा एरिया बंद है और इसकी वजह यह है कि ये रेयर फॉग है। बाहर की मोस्टली कार्स के अंदर रेयर फॉग भी आती है जो कि आप अंदर से ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो ये बेसिकली उसके लिए डेडिकेटेड है। बाकी ट्रंक को आप की फॉग से भी अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। बैक पर तो रिलीज दिया ही गया है और ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर आप 3 से 4 लोगों का लगेज इजीली रख सकते हैं और सीसीटीवी के लिड को उठा के मैं इस गाड़ी का एक स्पेयर टायर वाला एरिया एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पर टूल किट दी गई है और अगर मैं इस एरिया को उठाता हूँ तो फिर उसके नीचे इसका स्पेयर टायर दिया गया है। स्पेयर टायर्स का प्रॉपर स्टेपनी है, ये फुल साइज टायर नहीं है। और बाकी इसके रियर बेंचेस फिक्स ही हैं लेकिन इनमें एक बीच में विंडो दी गई है जिसको आप पुल करके खोल सकते हैं और यहाँ से फिर अपने कोई स्की रॉड या कोई पाइप्स वगैरह जो भी हो वो इसके अंदर से गुजार सकते हैं। बेंचेस फोल्ड नहीं होते, सेंटर कंसोल वाला एरिया खुलता है और फिर यहाँ से आप कुछ चीज़ें गुजार सकते हैं। बाकी इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी ब्रेक लैंप ऑफर करती है एंड दैट्स इट। इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एंट्री की तो ये मोस्टली लेक्सस जैसा ही है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फ्लैशनेस नहीं दी गई लेकिन सब कुछ यहाँ पर सटल और डिसेंट सा है। फीचर्स यहाँ पे अच्छे खासे दिए गए हैं इस तरह से कि इस गाड़ी की जो फ्रंट दोनों सीट्स हैं ये इलेक्ट्रिक हैं। इनको मैं इलेक्ट्रॉनिकली रेज या लोअर कर सकता हूँ। इनमें लंबा सपोर्ट भी आता है, थाई सपोर्ट भी आता है। आगे पीछे भी इन दोनों ही सीट्स को मैं इलेक्ट्रॉनिकली करूँगा लेकिन इस गाड़ी में सीट्स की बहुत ज़्यादा फीचर ऑफर नहीं करती। इसमें एक GS वर्जन आता है, उसमें सीट्स हीटेड भी होती हैं, कूल्ड भी होती हैं, बहुत सारे और भी फीचर वो गाड़ी ऑफर करती है बट वो इसे एक कैटेगरी ऊपर है। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी के लेदर की फिनिश में है और इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील प्रोप्राइटरी है जो कि यही गाड़ी ऑफर करती है। लेक्सस टोयोटा की तरह एक ही पार्ट बहुत सारी गाड़ी में यूज़ नहीं करता। बाकी इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील मल्टीमीडिया वाला है। लेफ्ट पे जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया के हैं, राइट पे जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप कॉल अटेंड डिक्लाइन कर सकते हैं। और स्टीयरिंग से पीछे फिर देखिए क्रूज का कंट्रोल दिया गया है। क्रूज कंट्रोल ये गाड़ी सिंपल ऑफर करती है लेकिन इससे पैडल शिफ्टर्स अच्छे खासे बड़े दिए गए हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। हेडलाइट के अंदर इसके ऑटोमेटिक का फीचर दिया गया है यानी कि ये लाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। वाइपर इसमें अगेन ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं, ये भी बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगे। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर भी इसका मोस्टली लेक्सस जैसा ही है। अगर आप लेक्सस GS देखें, LX देखें, RX देखें, जो मर्जी गाड़ी देखें उसमें मीटर काफ़ी हद तक ऐसा ही होगा। सेम गोस फॉर दिस, का स्पीड लिमिट इस गाड़ी की 180 किलोमीटर पर आवर तक है। और इसके अलावा इसका जो MID है ये बहुत ही छोटा सा है। मेरे ख्याल से इससे बहुत बेहतर हो सकता था। इस एरा में बहुत सारी गाड़ियाँ इससे बड़े MID ऑफर करती थी। ये आपको बेसिक चीज़ें शो करवाया गया इस गाड़ी की जैसा कि ट्रेस, एयर स्क्रीनर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी के कौन कौन से डोर्स ओपन हैं वो चीज़, पार्किंग सेंसर्स की वार्निंग, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर कार शो करेगी। फिर इसके अलावा मीटरिंग हाउसिंग इसकी बिल्कुल बेसिक सी है। और इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में इसके 4 एयरबैग्स दिए गए हैं। उस तरीके से इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। ये स्क्रीन फीचर्स के लिहाज से बहुत डिसेंट है। इस तरह से कि गाड़ी कंप्यूटर के साथ लिंक्ड है। यहाँ पे आपको इसकी एरो शो करवाएगी, ट्रिप शो करवाएगी, इको स्कोर शो करवाएगी, नेविगेशन, कंपास, ये सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं और आप यहाँ से अपना फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर गाड़ी के मेंटेनेंस इंटरवल्स भी ये गाड़ी शो करवाएगी। फिर इसके अलावा नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए अलग अलग क्लाइमेट कंट्रोल की जोन दी गई हैं। और इसका टेम्परेचर भी आपको यहाँ पर स्क्रीन के पीछे शो होता है इस तरह से। फिर इसके अलावा साथ इसके अंदर स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है और यहाँ पे कुछ और बटन दिए गए हैं जैसा कि ट्रैक्शन कंट्रोल का और इसके अलावा ड्राइविंग मोड्स का। ट्रैक्शन कंट्रोल ये गाड़ी 2.5 इंजन के साथ भी ऑफर करती है जबकि मार्क एक्स में ये चीज़ 3.0 से ऑनवर्ड्स आती है। और इसके अलावा साथ इसके ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं जो कि पावर, ECT और फिर स्नो। पावर में करके आप इस गाड़ी को भगा सकते हैं डेफिनेटली और बाकी सारे मोड्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। फिर इसके अलावा नीचे इसका पुराने वक्तों का मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है। ये CD का इंसर्ट है और यहाँ पर आप डिफरेंट सीरीज डाल के अपना मीडिया प्ले कर सकते हैं। उससे नीचे फिर इसका ये सिग्नल लाइटर दिया गया है, एस्ट्रे दी गई है और गेस्ट सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेस्ट सिलेक्शन है वो है PR&D और स्पोर्ट्स में करके मैं इस गाड़ी को इस तरह से मैनुअली चला सकता हूँ। और मैनुअल चलाने का एक और तरीका भी है जो कि ये पेडल शिफ्टर्स हैं। फिर इसके अलावा उससे पीछे इसका एक कप होल्डर दिया गया है जिसको मैं इस तरह से अनलॉक कर सकता हूँ, इसमें अपनी की रख सकते हैं। और उससे पीछे फिर इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्लाइड होकर पीछे जाता है और फिर ओपन होता है। ये स्लाइडिंग वाला मैकेनिज्म GS भी ऑफर करती है लेकिन उसमें इसका यूज़ भी है। वो यूज़ ये है
कि जब सेंटर कंसोल जीएस का आगे होता है तो उसके बहुत सारे बटन्स कवर्ड होते हैं। अब जैसे उसको पीछे करते हैं तो उसके नीचे से ड्राइव मोड, सीट के कंट्रोल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रिवील होती हैं और फिर आप उनको यूज़ कर सकते हैं। कैपेसिटी के लिहाज से बहुत छोटा सा है इस गाड़ी का कंसोल। इसमें ऑक्स का इंसर्ट दिया गया है और 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी दिया गया है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की तो ये सीट फैब्रिक की फिनिश में ही है। इसमें ब्लैक और ब्लू कलर का फैब्रिक दिया गया है और ये सीट्स दोनों ही इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, जो कि मैं कवर कर चुका हूँ। विंडोज गाड़ी में सारी ऑटो आती हैं, यानी कि सारी विंडोज को मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन और रोल अप कर सकता हूँ इस तरह से। और इसके अलावा स्पीकर भी इस गाड़ी में बहुत सारे आते हैं। 3 स्पीकर इस जोड़ में दिए गए हैं, 3 लेट्स में दिए गए हैं। बैक पे डोर्स में 4 स्पीकर आते हैं, डैशबोर्ड में सबवूफर दिया गया है। फिर इसमें बैक पे भी स्पीकर आते हैं और सबवूफर भी आता है। तो कलेक्टिवली इस गाड़ी का साउंड सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। साइड मिरर इस गाड़ी के रिट्रैक्टेबल हैं, इनको मैं गाड़ी के अंदर से फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ। स्टीयरिंग के राइट पे कुछ कंट्रोल दिए गए हैं। ये बेसिकली सिर्फ 3 बटन्स हैं, लेकिन इन 3 बटन्स के अंदर इसके बहुत सारे फीचर्स को इंटीग्रेट किया गया है। ये मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इस तरह से कि मैं डिफरेंट सेटिंग्स के बीच में नेविगेट करके इनको इन्हीं बटन से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। और यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग सेटिंग है वो है रेव लिमिटर की। इसमें रेव लिमिटर आता है और इसकी रेव की लिमिट को मैं खुद एडजस्ट कर सकता हूँ कि कहाँ पर ये गाड़ी जाकर येलो लाइन शो करेगी। इसके RPM के अंदर एक हिडन येलो लाइन दी गई है जो कि मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो फिर मैं RPM को खुद एडजस्ट करूंगा इस तरह से। मैं इसको पॉइंट्स में भी एडजस्ट कर सकता हूं और फिर पूरे पूरे नंबर्स के बीच में भी इसको एडजस्ट कर सकता हूं। अगर मैं इसको लेट्स सपोज 2 पर रख देता हूं, जो कि इसका मिनिमम है, तो जैसे ये गाड़ी 2 से ऊपर जाएगा इसका RPM, तो येलो लाइन शो करेगी कि लाइक अब ये डेंजर में जा रही है, डेंजर जोन में। या फिर इस लिमिट को जाकर बिल्कुल मैं 6.5 पे भी रख सकता हूं, यानी कि 6.5 पे जाकर ये गाड़ी रेड लाइन करेगी। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये यूजुअली आपको परफॉर्मेंस कार्स में देखने को मिलती है। ये गाड़ी लग्जरी और परफॉर्मेंस का एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर इसके अलावा वैंटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं। और इसके अलावा एयरबैग गाड़ी टोटल 10 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट के साइड पर, एक ड्राइवर के नी पे और फिर एक पैसेंजर के नी पे। और इसके अलावा बाकी रेव्यू मिरर भी इस गाड़ी का ऑटोडेमिक फीचर के साथ है। 2007 के लिहाज से मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा बाकी इसमें सनरूफ दी गई है, लेकिन सनरूफ का कंट्रोल इसका बहुत वियर्ड सा है। इस तरह से कि इसमें एक वॉशिंग मशीन जैसा कंट्रोल दिया गया है। इसको मैं घुमा के इस तरह से डिफरेंट लेवल्स के बीच में सनरूफ क्लोज कर सकता हूँ लाइक दिस। और अगर मैं पूरे को घुमा दूंगा तो फिर ये सनरूफ पूरी ही बंद होगी इस तरह से। और इसको थोड़ा सा आगे घुमाऊंगा तो फिर ये सनरूफ रेस हो जाएगी। अगर मैं इसको जीरो पे करूंगा तो फिर ये नीचे हो जाएगी। और पूरे को घुमा दूंगा तो ये इस तरह से ओपन होगी लाइक दिस। ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी अजीब सी इंटीग्रेशन है सनरूफ की। बाकी इसके अलावा केबिन लाइट्स इसकी है 4 अलग अलग दी गई हैं और रूफ लाइनर इसका वाइट में है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैग में पूरी पूरी ही है। साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो मेरे पास लगभग यहाँ पे बिल्कुल पूरा पूरा है। लेकिन ड्राइवर की सीट मैंने फिलहाल मैक्सिमम पीछे की हुई है। अगर नॉर्थ पोजीशन पे हो तो फिर यहाँ पे लेगरूम बेहतर हो जाएगा। और इसके अलावा हेडरूम भी इस गाड़ी में बस पूरा पूरा ही है, क्योंकि अगर यहाँ पे काफ़ी लंबा बंदा बैठेगा तो उसको बैठने में इशू हो सकता है। रूफ भी इसकी सेंटर से थोड़ी सी नीचे है, क्योंकि इसकी सन रूफ रूफ के अंदर ही फोल्ड होती है। और कैबिन लाइट बैग में इसमें फ्रंट की तरह ही दी गई हैं। बाकी इसके अलावा रेयर बेंचेस इसके काफ़ी ग्रिपी हैं और इसमें बैक पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, क्योंकि इसमें सेंटर में काफ़ी बड़ा सारा हम्प किया गया है। यहाँ से इसकी ड्राइव ट्रेन जा रही है तो रेयर पैसेंजर्स को पकड़ने में इससे थोड़ी सी मुश्किल होगी। और इसके अलावा बाकी सेंटर में ये गाड़ी सेंटर को सोल भी ऑफर करती है, जिसको निकाल के मैं एज एन आर्म्स यूज़ कर सकता हूँ। और इसमें ये 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं जिनको मैं इस तरह से फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ। बाकी इसके अलावा बैक पे गाड़ी 3 हेडरेस्ट ऑफर करती है, सीट बेल्ट ऑफर करती है, आज तक इसके पोर्ट्स ऑफर करती है और फिर रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर बैग्स भी आते हैं। रेयर विंडोज भी इसकी सिंगल टैप वाली हैं और ये हैवी प्राइवेसी वाली। बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन स्पेसिफिक कार में 2500 cc है। ये इंजन 4GRFSE इंजन है जो कि 2.5 होता है। 2.5 इंजन ऐसा ही देखने में काफ़ी हद तक मार्क एक्स में भी आता है 250G में। ये गाड़ी परफॉर्मेंस फिगर्स के लिहाज से मार्क एक्स के आसपास है, लेकिन लग्जरी में उससे ऊपर है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इस गाड़ी में बड़े इंजन भी आते हैं। ये 2.5 है, इसमें 3.0 भी आता है, 3.5 भी आता है और फिर एक 5.0 4UR इंजन भी आता है जो कि इससे बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। लेकिन ये गाड़ी भी सफिशेंट है बड़ी साइज़ के लिहाज से। ये गाड़ी है रियर व्हील ड्राइव, तो इस पर आपको टेल करने का, ड्रिफ्ट करने का या फिर इसको डे टू डे यूज़ करने का काफ़ी मज़ा आएगा। इस पर ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है। मार्क एक्स में इस इंजन के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता। और बाकी इसके अलावा फिर इस गाड़ी में एक डीजल वर्जन भी आता है, 2.2 डीजल। ये गाड़ी सबसे ज़्यादा सेलिंग कार है क्योंकि ये अफोर्डेबल भी है और रिलायबल भी है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि लेक्सस है तो इसका इंजन बे काफ़ी नीटली कवर्ड है। यहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन दी गई हैं और इंजन बे में आपको इसके हुड के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सब कुछ यहाँ पे कवर्ड है। ऊपर यहाँ पे ग्रीसिंग की बैचिंग दी गई है
और उसके अलावा अगर बात करते हैं परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 212 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। बाकी इसके अलावा इसके बोनट के अंदर सोल्यूशन दी गई है, बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है। और अगर बात की जाए ट्रांसमिशन की, तो ये गाड़ी 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर करती है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 10-11 तक की दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। यस, ये काफ़ी अच्छी एवरेज है बॉडी साइज के लिहाज से, मार्केट 20 के आसपास ही एवरेज देती है। और इसके अलावा बाकी इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।